अभी हम लोग सेकंड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो प्रॉब्लम है, सुरेश कानपुर कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2018 इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल इन कैश ₹1 लाख। हिज अदर ट्रांजैक्शन वेयर एज फॉलोज। तो अभी 1 जनवरी को उसने बिजनेस स्टार्ट किया है और बाकी का ट्रांजैक्शन दिया है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन ये सेम है जो उधर रिपीट किया गया है। तो सबसे पहला हम लोग जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ सुरेश कानपुर। उसके बाद नीचे लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। तो ये अपना हेडिंग है। तो अभी हम लोग जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स, फिर नेक्स्ट कॉलम LF, फिर डेबिट रुपीज, फिर क्रेडिट रुपीज, उसके बाद फॉर्मेट बनाएंगे। बॉर्डर लोग ने बनाया। बॉर्डर बनाने के बाद कॉलम्स बनाते हैं डेट और पर्टिकुलर्स के लिए। फिर LF डेबिट क्रेडिट के लिए, तो ये फॉर्मेट बना के हो गया। अभी हम लोग ये हेडिंग्स को फॉर्मेट बनाते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको डेट दिया है 2018 जनवरी 1। फिर सबसे फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कैश बिजनेस में आ रहा है, प्रोप्राइटर गिवर है। तो कैश अकाउंट डेबिट और प्रोप्राइटर गिवर है, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट देंगे। और उसकी जो अमाउंट है 1 लाख। नरेशन, बींग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपका हो गया। नरेशन के बाद हम लोग इसको क्लोज करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ब्रॉड गुड्स फॉर कैश। तो ये परचेज का ट्रांजैक्शन है। डेट है आपका January 2। तो इधर परचेज अकाउंट डेबिट होगा, अपना खर्चा है। तो परचेज अकाउंट को डेबिट दिया और बिजनेस से कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री है। अमाउंट है 20,000।
narration being purchased goods for cash. ₹20,000 ये आपका नरेशन है। नरेशन लिखने के बाद इसको क्लोज करेंगे। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन January 3 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो अभी कैश आ रहा है, सेल्स हो रहा है, तो January 3 को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अपने कैश बिजनेस में आया और सेल्स अपने लिए इनकम है तो उसको क्रेडिट देना है और उसकी अमाउंट है 7,000। नरेशन बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ₹7,000 ये अपना नरेशन है। नरेशन होने के बाद हम लोग क्लोज करेंगे। ओके, फिर अगला ट्रांजैक्शन लेंगे January 15 सोल्ड गुड्स टू श्रवण दिल्ली 6,000। तो इधर पार्टी का नाम दिया है और मोड ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं दिया है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। January 3 के बाद January 15 श्रवण अकाउंट डेबिट अभी श्रवण रिसीवर है और अपना सेल्स हो रहा है अपने लिए इनकम है तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट देना है और उसकी जो अमाउंट है 6,000 है। और नरेशन आएगा बीइंग सोल्ड गुड्स टू श्रवण फॉर ₹7,000 फॉर ₹6,000 नरेशन है। नरेशन लिखने के बाद उसको हम क्लोज करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन फ्रॉड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनुराग कानपुर। तो परचेस कर रहे, पार्टी का नाम दिया है, मोड ऑफ पेमेंट नहीं दिया है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो एंट्री आएगा परचेसेस अकाउंट डेबिट, अपना खर्चा है तो परचेस अकाउंट को डेबिट देंगे और अनुराग गिवर है, अनुराग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अनुराग अकाउंट और उसका जो परचेस है वो परचेस है 5,000 का, सॉरी 60,000 का परचेस है। नरेशन बीइंग परचेस बट गुड्स फ्रॉम अनुराग ₹60,000। ये नरेशन लिखा, नरेशन लिखने के बाद इसको क्लोज करना है। नेक्स्ट January 18 के बाद January 19 गुड्स रिटर्न टू अनुराग। अभी गुड्स रिटर्न कर रहे तो अनुराग रिसीवर है, अनुराग अकाउंट को अपने को डेबिट देना है। अनुराग अकाउंट डेबिट
और ये जो गुड्स रिटर्न करते हैं परचेस किया हुआ, तो उस अकाउंट का नाम रहता है परचेसेस रिटर्न अकाउंट। तो परचेसेस रिटर्न अकाउंट को हम लोग क्रेडिट देंगे और इसकी जो अमाउंट है 5000। Being written goods to Anurag ₹5000। नरेशन लिखने के बाद उसको क्लोज करना है। नेक्स्ट एंट्री गुड्स सोल्ड फॉर कैश 20,000। तो इधर कैश आ रहा है और सेल हो रहा है, तो एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अपना इनकम है, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स हो रहा है अपना 30,000। बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000। नरेशन हो गया, क्लोज करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है January 22, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000। अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, अपना खर्चा है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट को आपको डेबिट देना है। बिल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट देना है कैश अकाउंट को। आपका कैश बिजनेस से जा रहा है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है, और अपने लाइट बिल पे किया 1000, तो 1000 रुपीज़ आएगा। नरेशन बीइंग पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹1000। नरेशन लिखने के बाद क्लोज करना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पेड फॉर टेलीफोन बिल, ये भी खर्चा है, तो सेम टाइप का एंट्री आएगा January 28 को। एंट्री आएगा टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सबको क्लियर है, नरेशन लिखने के बाद क्लोज करना है। नेक्स्ट एंट्री उसके बाद रेंट पे कर रहे 8000 January 29। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800।
paid rent, ₹800. Next, last transaction, January 31, paid wages ₹3,000. आएगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,000 बीइंग पेड वेजेस 3,000 अपना हो गया। अभी अपने को टोटल लेना है, डेबिट साइड का 233,300, क्रेडिट साइड का 233,300, फिर इसको क्लोज करना है। क्लोज करके इधर अपने को लिखना है टोटल। तो ये प्रॉब्लम में अपना जर्नल हो गया। उसके बाद अपने को लेजर करना है। भी लेजर में जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था, सबसे पहला हम लोग अकाउंट्स का लिस्ट बनाएंगे। तो अकाउंट्स कौन से हैं? सबसे पहला अपना कैश अकाउंट, कैश कैपिटल, कैपिटल के बाद आपका परचेसेस अकाउंट। अभी अगर अकाउंट दो बार रहता रहेगा तो वो बनाने का जरूरत नहीं है। परचेस के बाद अगला सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट ऑलरेडी बना है हम लोगों ने, फिर श्रवण्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट ऑलरेडी बना है, परचेसेस अकाउंट बना है, उसके बाद अनुराग्स अकाउंट, अनुराग के बाद परचेसेस रिटर्न्स अकाउंट, नेक्स्ट कैश हो गया, सेल्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके बाद नेक्स्ट टेलीफोन बिल, रेंट वेजेस, तो इतने अकाउंट्स अपने को बनाने हैं। अकाउंट्स बनाने हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पेज पे दो ही अकाउंट बनाते हैं और फिर बाकी बचे 9 अकाउंट्स, हर पेज पे 3-3 अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो फिर जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था, लेजर के लिए 30 लाइन चाहिए। तो अभी हम लोग हेडिंग डालते हैं, इन द बुक्स ऑफ पार्टी का नाम क्या है, सुरेश कानपुर, 4 पेजेस लगेंगे। सबसे पहला हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं।
चार कॉलम्स डेबिट में बनेंगे, डेट पर्टिकुलर्स लेजर में केस आएगा, तो ये अपना फॉर्मेट है। अभी हम लोग इसका रूलिंग्स निकालते हैं। थर्टी लाइंस का फॉर्मेट बनेगा। सबसे पहला डेट और पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर सेफ और अमाउंट का कॉलम, डेट और पर्टिकुलर्स का कॉलम, और फिर लास्ट में जेएफ और अमाउंट का कॉलम। तो ऐसा आपने को बनाने का है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पेज में हम लोग बनाएंगे फोर्थ पेज पे। तो ये हम लोगों ने चार पेजेस पे फॉर्मेट बनाया। अभी बाकी के अकाउंट्स के भी नाम डालना है। सबसे पहला कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के लिए हाफ पेज छोड़ेंगे, उसके बाद इधर अगला अकाउंट जो है कैश के बाद का कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे, परचेसेस अकाउंट, परचेसेस अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट है सेल्स अकाउंट, 10 लाइन छोड़ के बनाएंगे। सेल्स अकाउंट के बाद अगला अकाउंट जो बनाएंगे श्रवण्स अकाउंट, तो ये तीन अकाउंट्स बनाए। श्रवण के बाद नेक्स्ट अकाउंट बनाना है अनुराग, परचेस रिटर्न इलेक्ट्रिसिटी बिल, अनुराग अकाउंट, फिर परचेस रिटर्न अकाउंट,
के बाद हम अगला अकाउंट बनाने का है इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। फिर आपको अगला अकाउंट बनाने का है टेलीफोन बिल अकाउंट। टेलीफोन बिल अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट है रेंट अकाउंट और लास्ट में वेजेस अकाउंट। तो ये अपना अकाउंट्स बना के हो गया। अभी हम लोग पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था एंट्री कैसे करते हैं, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में अपोजिट नाम डालना है। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 1,00,000। और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में कैपिटल के अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय कैश अकाउंट और उसकी अमाउंट आएगी 1,00,000। तो ये आपको क्लियर है, कैश के डेबिट में टू कैपिटल 1,00,000 और कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश 1,00,000। ओके, फर्स्ट ट्रांजैक्शन अपना हो गया। सेकंड ट्रांजैक्शन है जनवरी टू परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेसेस अकाउंट के डेबिट में सबसे पहला डेट डालते हैं 2018 जनवरी, जनवरी टू। तो एंट्री है अपना परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। तो परचेस अकाउंट के डेबिट में टू कैश अकाउंट 20,000 आएगा। और कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय परचेसेस आएगा 20,000। को क्लियर है, परचेसेस के डेबिट में टू कैश आ गया 20,000 और कैश के क्रेडिट में बाय परचेसेस अकाउंट 20,000 आ गया। ओके, अभी नेक्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7,000। तो अभी कैश अकाउंट के डेबिट में जनवरी थ्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000। कैश अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स 7,000 है। और दूसरा इफेक्ट सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। सबसे पहला ईयर डालेंगे, बाय कैश अकाउंट और फिर उसकी अमाउंट 7,000 है। बाय कैश अकाउंट 7,000, सबको क्लियर है। कैश अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स 7,000 और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में
पाई कैश 70 सबको क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री श्रवण्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स जनवरी 15। सबसे पहला श्रवण के डेबिट में डेट डालेंगे 2018 जनवरी 15। हम लोग ने सेल्स किया है तो इधर लिखेंगे 2018। टू सेल्स आएगा 6000। और फिर इसका जो डबल इफेक्ट है सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में आएगा जनवरी 15 बाय सेल्स अकाउंट 6000। तो अपना श्रवण के डेबिट में टू सेल्स आ गया 6000 और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में आ गया बाय सेल्स, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय श्रवण अकाउंट, बाय श्रवण अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है जनवरी 18 परचेस अकाउंट डेबिट टू अनुराग्स अकाउंट 60000 जनवरी 18 को। परचेस अकाउंट के डेबिट में आएगा टू अनुराग्स अकाउंट। और उसकी जो अमाउंट है के बाद इसका जो डबल इफेक्ट है अनुराग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा 2018 जनवरी 18। आएगा बाय परचेसेस और अमाउंट आएगा 60000। एंट्री था परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अनुराग अकाउंट, अनुराग अकाउंट के क्रेडिट में आ गया बाय परचेसेस 60000। नेक्स्ट एंट्री जनवरी 19 अनुराग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट अनुराग के डेबिट में 2018 जनवरी 19। इधर आएगा टू परचेसेस रिटर्न अकाउंट जो अमाउंट है 5000। अभी इसका जो डबल इफेक्ट है परचेस रिटर्न्स के क्रेडिट में आएगा बाय अनुराग अकाउंट 5000। तो
अनुराग के डेबिट में आ गया टू परचेस रिटर्न अकाउंट, और परचेस रिटर्न के क्रेडिट में आ गया बाय अनुराग्स अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट डे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 30,000। जनवरी 20 टू सेल्स अकाउंट अमाउंट 30,000। दूसरा इफेक्ट सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जनवरी 20 बाय सेल्स बाय कैश अकाउंट 30,000। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जनवरी 20 इलेक्ट्रिसिटी बिल के डेबिट में इलेक्ट्रिसिटी बिल के डेबिट में आएगा टू कैश अकाउंट। और उसकी अमाउंट है और इलेक्ट्रिसिटी बिल के क्रेडिट में जैन 2022 बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट एंट्री है टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश 500। डेट डालेंगे टेलीफोन बिल के डेबिट में टू कैश आएगा। जो अमाउंट है 500 उसका डबल इफेक्ट आएगा कैश अकाउंट के क्रेडिट में, कैश अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय टेलीफोन बिल 500। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 800 रेंट अकाउंट के डेबिट में टू कैश आएगा टू कैश अकाउंट अमाउंट है 800। और कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय रेंट अकाउंट 800 लास्ट एंट्री जनवरी 29 वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश वेजेस अकाउंट के डेबिट में डेट डालेंगे
केस का डेट है वो January 31 है। और इधर हम लोग लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और उसकी जो अमाउंट है 3000। उसके बाद उसका डबल इफेक्ट कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय वेजेस अकाउंट 3000। तो उसका पोस्टिंग अपना पूरा हो गया, अभी अपने को क्लोज करना है। पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैश अकाउंट, तो जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था पिछले प्रॉब्लम में, जिसका टोटल बड़ा होगा उससे दूसरे का टोटल माइनस करने का है। तो इधर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड का टोटल है 107,000, 137,000 टोटल है। तो इधर टोटल लिखेंगे 137,000, फिर इसको क्लोज करेंगे, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन ऐसा इसको क्लोज करना है, और फिर सेम टोटल इधर लिखेंगे, और फिर मंथ एंड के दिन बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन, अभी बैलेंस इसका जो टोटल है ये हम लोग माइनस करेंगे, इसका टोटल 21,500। तो इसमें से हम लोग इसका टोटल माइनस करते हैं, तो फिर 111,700 आएगा। नेक्स्ट मंथ में इसको कैरी फॉरवर्ड करना है 2018 February 1, और इधर लिखने का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसकी अमाउंट आएगी 111,700। तो ये अकाउंट अपना क्लोज हो गया। उसके बाद कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। जैसे हम लोग ने पिछला प्रॉब्लम में डिस्कस किया था कि कैपिटल अकाउंट में जो बड़ा रहता है वो साइड, अगर अकाउंट दूसरा साइड अगर उसका खाली रहेगा तो अपने को जो साइड में भरा हुआ है उसका टोटल एज इट इज़ लिखना है। तो अभी क्रेडिट साइड भरा है तो डेबिट साइड में उसका टोटल लिखना है, डेट डालने का है मंथ एंड का, तो ये क्लोज हो जाएगा January 31 को, और इधर लिखने का है क्लोज करके करते टाइम टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन लिख के अपने को 100,000 अमाउंट डाल के उसको क्लोज करना है, फिर क्लोज करेंगे दोनों का टोटल 100,000 आएगा। अभी ये हम लोगों ने डेबिट साइड में क्लोज किया था, अभी इसको क्रेडिट साइड में ब्रॉड फॉरवर्ड करना है, तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड में ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, और अमाउंट 100,000, तो इसको क्लोज कर दिया। नेक्स्ट अकाउंट है अपना परचेसेस अकाउंट। परचेसेस अकाउंट में सिर्फ डेबिट साइड में है, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है। तो क्रेडिट साइड में अपने को उसकी टोटल लिखनी है, तो डेबिट साइड की टोटल 80,000, क्रेडिट साइड में भी अपने को सेम लिखना है बाय बैलेंस कैरी डाउन, उसकी जो अमाउंट है 80,000।
और 80,000 से अपने को क्लोज करना है। तो ये 80,000 से क्लोज हो गया। अभी इसको क्रेडिट साइड में लिया है तो इसको डेबिट साइड में क्लोज करना है अपने को। तो इधर लिखने का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। नेक्स्ट सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट साइड में है, डेबिट साइड में कुछ नहीं है। तो डेबिट साइड में इसकी टोटल आएगी 43,000। ये अमाउंट अपने को डेबिट साइड में लिखनी है। तो इधर क्लोज करना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोज कर रहे हैं तो बैलेंस कैरिड डाउन लिखना है 43,000 आएगा। तो इसकी टोटल हम लोग 43,000 से क्लोज करेंगे। फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, करते टाइम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अमाउंट आएगा 43,000। इसके बाद श्रवण अकाउंट क्लोज करना है। श्रवण अकाउंट का क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है तो क्रेडिट साइड में उसकी टोटल एज इट इज आएगी 2018 को जनवरी 31। तो इधर अपने को लिखना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और अमाउंट आएगी 6,000। और इसको अपने को क्लोज करना है। फिर क्लोज करके फिर से ओपन करने का है और फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसका जो अमाउंट है 6,000। तो ये क्लोज हो गया। नेक्स्ट अकाउंट है अनुराग्स अकाउंट। अनुराग का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 60,000, डेबिट साइड का 5,000 है। तो डिफरेंस बट नेचुरल क्रेडिट साइड में आएगा। हम लोग उसको क्लोज करते हैं क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में जनवरी 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन 60,000 में से 5,000 गया तो 55,000 आएगा। और फिर उसको क्लोज करते हैं 60,000 से। और फिर उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, डेबिट में आ गया है करके क्रेडिट में करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। अभी अगला परचेस रिटर्न अकाउंट क्लोज करेंगे। परचेस रिटर्न के डेबिट में है अमाउंट, क्रेडिट में कुछ नहीं है तो उसको भी डेबिट साइड में अपने को उसकी टोटल लिखनी है 2018 जनवरी 31
और इधर लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन और अमाउंट आएगा 5000, इसको क्लोज करना है। फिर इसको ओपन करना है 2018 फरवरी 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इसका अमाउंट है 5000। फिर नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसका डेबिट में है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो क्रेडिट में क्लोज करना है 2018 जनवरी 31 उसका अमाउंट डालना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1000। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट क्लोज किया, फिर से अपने को उसको रीओपन करना है 2018 फरवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट है 1000। ये हो गया अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल। फिर अगला जो है टेलीफोन बिल, इसको क्लोज करना है। अब ये डेबिट साइड में है, क्रेडिट साइड में क्लोज करना है। क्रेडिट साइड में 2018 जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन इसकी जो अमाउंट है 500, उसके बाद उसको क्लोज करते हैं। कैरी फॉरवर्ड करना है डेबिट साइड में। टू बैलेंस पार्ट डाउन 500, तो ये अपना हो गया। अगला अकाउंट रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट में है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो क्रेडिट में क्लोज करना है। तो डेट आएगा 2018 जनवरी 31 और फिर बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन अमाउंट आएगा 800 और फिर टोटल क्लोज करते हैं। फिर इसको ब्रॉट डाउन करना है, क्रेडिट में है तो डेबिट में ब्रॉट डाउन करना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 800 और फिर लास्ट अकाउंट क्लोज करना है वेजेस अकाउंट। वेजेस अकाउंट भी डेबिट में है, क्रेडिट में बैलेंस लिखना है। तो 2018 जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन इसका अमाउंट है 3000, इसको क्लोज करते हैं। फिर इसको रीओपन करना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
62,000 ये क्लोज किया। अभी जो भी क्लोज किया है एक बार देखते हैं बराबर क्लोज किया है क्या। वेजेस क्रेडिट का डेबिट में आ गया, इसके बाद रेंट भी क्रेडिट का डेबिट में आ गया, फिर टेलीफोन बिल क्रेडिट का डेबिट में आ गया, तो ये बराबर है अपना। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल क्रेडिट का डेबिट में आ गया, फिर परचेस रिटर्न्स वो भी डेबिट का क्रेडिट में आ गया, फिर परचेसेस अनुराग्स अकाउंट क्रेडिट का डेबिट में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है श्रवण्स अकाउंट क्रेडिट का डेबिट में आ गया, फिर अपना सेल्स अकाउंट डेबिट का क्रेडिट में आ गया, परचेस अकाउंट डेबिट का क्रेडिट में आ गया, कैपिटल अकाउंट डेबिट का क्रेडिट में आ गया, और लास्ट में कैश अकाउंट क्रेडिट का डेबिट में आ गया। अभी इसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 January 2018, तो ये अपना फॉर्मेट है। कॉलम से अपने पर्टिकुलर्स, ये अपना जर्नल के जैसा है, पर्टिकुलर्स डेबिट और क्रेडिट, इसमें आपका डेट का कॉलम और एलएफ का कॉलम नहीं रहता, बाकी सब कॉलम है। अब इसको बॉर्डर बनाते हैं, उसके बाद उसका रूलिंग्स पर्टिकुलर्स डेबिट और क्रेडिट को, इसका रूलिंग बना के हो गया। फिर हेडिंग को क्लोज करते हैं, क्लोज किया। अभी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था, सबसे पहला कैश है और कैश का बैलेंस डेबिट साइड में कैरी फॉरवर्ड किया है, तो ये जो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे कैश, और उसका जो अमाउंट है ₹111,700, उसके बाद कैश के बाद नेक्स्ट अकाउंट है आपका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में है 1 लाख, नेक्स्ट अगला अकाउंट है परचेसेस अकाउंट 80,000, परचेसेस अकाउंट डेबिट में 80,000, उसके बाद नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट 43,000 क्रेडिट में, नेक्स्ट श्रवण्स अकाउंट 6,000 डेबिट में,
नेक्स्ट अनुराग्स अकाउंट 55,000 क्रेडिट में, नेक्स्ट परचेस रिटर्न्स क्रेडिट में 5,000, नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट में 1,000, नेक्स्ट टेलीफोन बिल डेबिट में 500, नेक्स्ट रेंट डेबिट में 800, नेक्स्ट वेरियस डेबिट में 3,000, तो ये अपना हो गया। फिर टोटल लेते हैं, टोटल अपना सेम आना चाहिए। अगर टोटल सेम आ गया तो अपना सम बराबर है 2,03,000 और ये भी 2,03,000, तो टोटल अपना बराबर आ गया, अपना सम बराबर है। तो ये टोटल को क्लोज करते हैं और इधर लिखते हैं टोटल। तो किसी को कोई डाउट्स है? ओके, थैंक यू।